एनी एल्डिहाइड और कीटोन व्हेनेवर एनी एल्डिहाइड नॉट कीटोन व्हेनेवर एनी एल्डिहाइड whenever any aldehyde without any alpha H whenever any aldehyde without any alpha H without any alpha H is treated with a concentrated OH minus is treated with a concentrated OH minus bracket mein likh lena 50-60% strength 50-60% strength. Whenever any aldehyde without any alpha H is treated with concentrated OH minus 50-60% strength, disproportionation happens. Disproportionation happens. Disproportionation happens. And we get one molecule of alcohol and we get one molecule of alcohol and one molecule of salt of carboxylic acid one molecule of alcohol and one molecule of salt of carboxylic acid Cannizzaro reaction sirf aldehyde ke sath hota hai ketone ke sath nahi hota dusri baat कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा एच नहीं है एल्डॉल का तो कंडीशन ही था कि अल्फा एच होना चाहिए लेकिन एल्डॉल और इसमें क्या बेसिकली दो अंतर है एल्डॉल में हम लोग डाइल्यूट ओएच माइनस लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओएच माइनस ले रहे हैं और एल्डॉल में अल्फा एच वाला कार्बोनिल होना चाहिए लेकिन कैनिजारो में अल्फा एच वाला बिना अल्फा एच वाला एल्डिहाइड होना चाहिए डिसप्रोपोर्शनेशन हैपेंस व्हाट इज डिसप्रोपोर्शनेशन जब एक ही एटम के साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन खैर रिएक्शन स्टार्ट करने के पहले ध्यान रखना कि एक एल्डिहाइड RCHO जब भी ऑक्सीडाइज करता है तो हमें मिलता है अल्कोहल जब रिड्यूस करता है तो हमें मिलता है अल्कोहल एल्डिहाइड को रिड्यूस किए वी गेट अल्कोहल एल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड एल्डिहाइड को हम लोग अगर ऑक्सीडाइज किए तो हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिड्यूस किया जाएगा तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड तो वी गेट वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने एक एल्डिहाइड लिए थे एल्कोहल मिला एक मॉलिक्यूल अल्कोहल मिला रिएक्शन में और एक मॉलिक्यूल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिड्यूस हो रहा है देयरफॉर कैनिजारो रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किस तरह के एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे जैसे HCHO एल्डिहाइड है लेकिन इसके पास कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है इसलिए अल्फा एच भी नहीं है सिमिलरली PHCHO एल्डिहाइड है अल्फा कार्बन भी प्रेजेंट है बेंजीन के पास लेकिन वहां पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है दूसरे टाइप का ये दोनों सबसे कॉमन है ध्यान रखना जैसे ही दिमाग में कहीं जा रहा है वैसे इन दोनों में से किसी एक को पहले गेस करना है ठीक है वैसे बहुत सारे हो सकते हैं Me3C सी डबल बॉन्डेड हो एच एल्डिहाइड है अल्फा कार्बन भी है लेकिन अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है ऐसे एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं मैकेनिज्म के पहले एक लाइन में रिएक्शन जैसे HCHO को अगर हम लोग ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस रूल क्या बोला एक मोल अल्कोहल मिलेगा और एक मोल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जहां एल्डिहाइड बना हुआ है उसी कार्बन पे अल्कोहल बनाना और उसी कार्बन पे एसिड भी बनाना जैसे H तो जैसे था वैसे ही इस कार्बन को मुझे अल्कोहल बनाना है लिखेंगे CH2OH दैट मीन्स ऑल टूगेदर इट विल बिकम CH3OH एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड मिला अल्कोहल मिला CH3OH और वहीं पर एसिड बना देना इस कार्बन पे एसिड कैसा दिखेगा HC डबल बॉन्डेड OOH लिखने के बजाय सॉल्ट बना देना सॉल्ट मिलता है अगर हम लोग NaOH का इस्तेमाल करेंगे
तो सोडियम का सॉल्ट मिलेगा अगर केवच का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा। सिमिलरली तुरंत आंसर बोलो पीएचसी डबल बॉन्डेड ओ एच फेनॉल, यहां आपको अल्कोहल बनाना है तो ये बन जाएगा पीएच सी एच टू ओ एच, और यहीं पे आपको एसिड बनाना है तो ये बन जाएगा पीएच सी डबल बॉन्डेड ओ ओ एन ए। प्रोडक्ट लिखने द्वारा एम ई थ्री सी सी डबल बॉन्डेड ओ एच एम ई थ्री सी जैसे था वैसे ही अल्कोहल बना इस कार्बन पे सी एच टू ओ एच, और वहीं पे एसिड बना एम ई थ्री सी सी डबल बॉन्डेड ओ ओ एन ए। प्रोडक्ट लिखने तो आ गया डायरेक्ट, जिस कार्बन पे एल्डिहाइड बना हुआ है उसी कार्बन पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसी कार्बन पे अल्कोहल भी बनाना है। मैकेनिज्म मैकेनिज्म इज एच सी एच ओ, मान लो वेन ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड ओ एच माइनस, इसके पास कोई अल्फा एच नहीं है नहीं तो अल्फा एच निकलता। ओ एच माइनस सबसे पहले करा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिवर्सिबल स्टेप एच सी एच ओ एच ओ माइनस। रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि ओ एच एक पुअर लिविंग ग्रुप है और पुअर लिविंग ग्रुप इंटरनल अटैक से बाहर निकल भी सकता है, तो हो सकता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन उसे बाहर निकाल दे, लेकिन हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन द नेक्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म एंड दिस इज हाइड्राइड, हाइड्राइड माइग्रेशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एच सी ओ एच O माइनस एच, और इसी के ठीक बगल में उसका एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लो एच सी डबल बॉन्डेड ओ एच। नेगेटिव चार्ज वेरी स्लोली इंटरनल अटैक कर रहा है, ओ एच माइनस निकल जाता पीछे चला जाता रिएक्शन, लेकिन वेरी स्लोली यहां से निकला हाइड्राइड, हाइड्राइड निकला एच माइनस, और ये एच माइनस जाकर इसी कार्बोनिल पे कर दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म, इसमें कोई चार्ज नहीं, ट्रांजिशन स्टेट गेट्स फॉर्म्ड और ट्रांजिशन स्टेट हम बना दे रहे एच सी ओ एच, ऑक्सीजन धीरे धीरे पार्शियल बॉन्ड बन रहा डेल्टा माइनस, धीरे धीरे एच निकल रहा है विथ डेल्टा माइनस, धीरे धीरे वो जाकर जुड़ भी रहा है इस कार्बन के साथ जहां पर दो हाइड्रोजन पहले से लगे हुए हैं, और डबल बॉन्डेड हो किस में कन्वर्ट हो रहा है पार्शियल में। नेगेटिव चार्ज का अटैक, हाइड्राइड का माइग्रेशन, हाइड्राइड एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल में शिफ्ट करता है, हाइड्राइड माइग्रेशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन एंड दिस ट्रांजिशन स्टेट इज प्लेनर। ध्यान रहे ये भी कार्बन एसपी टू, ये भी कार्बन एसपी टू, ये ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर है। कहने का मतलब दोनों एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है वो एक ही प्लेन पे होना जरूरी है। क्लियर? आरडीएस में ये ट्रांजिशन स्टेट बना और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, जहां से हाइड्राइड निकल गया वो क्या बन जाएगा एच सी डबल बॉन्डेड ओ ओ एच बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा एक एच आने के बाद, दो एच पहले से ही थे एक एच आ गया सी एच थ्री ओ माइनस, सी एच थ्री ओ माइनस, ये CH3O- बने हुए एसिड से ही H+ गेन कर लेता है और अल्टीमेटली एसिड को कन्वर्ट कर देता है सॉल्ट में और खुद को कन्वर्ट कर लेता है अल्कोहल में। कॉपी करो यहां तक जल्दी समझ के, कार्बन एटम के साथ ही डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, ये कार्बन एटम ऑक्सीडाइज कर रहा है एसिड में, चाहो तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो उससे क्लियर हो जाएगा, और वही कार्बन एटम अल्कोहल में जाकर क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। सो इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड इट विल बी कॉल्ड एज सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल लिए और एक मॉलिक्यूल को लेकर कॉन्सेंट्रेटेड ओएच माइनस के साथ ट्रीट किए, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया।
आरडीएस का मान लेते हैं कि ये के फॉरवर्ड है और ये है के इक्विलिब्रियम। तो आरडीएस से ही हम लोग रेट डिराइव करते हैं, तो रेट क्या लिखते हैं, रेट विल बी इक्वल टू के फॉरवर्ड मल्टीप्लाइड बाय एच सी एच ओ माइनस ओ एच मल्टीप्लाइड बाय एच सी एच ओ, क्योंकि आरडीएस में ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए, ऐसे लिखा जा सकता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में क्या लिखा जा सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू जो इंटरमीडिएट बना एच सी एच ओ एच ओ माइनस डिवाइडेड बाय, यहां पर रिएक्टेंट क्या है एच सी एच ओ और साथ में ओ एच माइनस, ये निकालो यहां से और इसे यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो एच सी एच ओ ओ एच माइनस आएगा, तो एच सी एच ओ का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओ एच माइनस, देयरफॉर रेट विल बी इक्वल टू के फॉरवर्ड इंटू के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय एच सी एच ओ का स्क्वायर इंटू ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन, देयरफॉर कहने जा रहा रिएक्शन इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इट्स मॉलिकुलरिटी इज टू। आरडीएस में दो ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहने जा रहा रिएक्शन का ऑर्डर थर्ड और मॉलिकुलरिटी सेकेंड। क्लियर? डाई अनायन मैकेनिज्म, डाई अनायन मैकेनिज्म हैपेंस व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज ग्रेटर देन 80% स्ट्रेंथ। स्पेशल केस, जब तक पूछा ना जाए तब तक इसको टच नहीं करना है। एक लाइन में अगर आया सवाल व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कैनेजारो रिएक्शन, थ्री, लेकिन दे दिया 80% से ज्यादा स्ट्रेंथ, व्हाट विल बी द ऑर्डर, देखेंगे क्या ऑर्डर। इसको कहते हैं डाई अनायन मैकेनिज्म, और ध्यान रहे डाई अनायन मैकेनिज्म एक बार आईआईटी में आ चुका है। जब OH- का कंसंट्रेशन 80% से ज्यादा हो जाता है तो मैकेनिज्म में एक स्टेप बढ़ जाता है डाई अनायन का बनना, कुछ नहीं, यही देख HCHO when taken along with OH- न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये बन गया HCH OH O-। एक और स्टेप बढ़ गया, OH- कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है वो, ये OH- यहां से भी H+ निकाल देता है। एसिड बेस रिएक्शन एक बार और ये बन जाता है एच सी एच ओ माइनस ओ माइनस, और इसी को कहेंगे डाई अनायन। क्लियर? इसी को बोला जाता है डाई अनायन। अब ये डाई अनायन एच सी डबल बॉन्डेड ओ एच द आरडीएस ऑफ द मैकेनिज्म, नेगेटिव चार्ज आया, हाइड्राइड का माइग्रेशन, नेगेटिव चार्ज आया हाइड्राइड का माइग्रेशन, ये किस में चेंज हो जाएगा एच सी डबल बॉन्डेड ओ ओ माइनस साथ में एन ए प्लस, और ये किस में चेंज हो जाएगा एक एच एन से सी एच थ्री ओ माइनस, ये सॉल्वेंट वाटर से फिर एक एच प्लस गेन करके बना लेता है सी एच थ्री ओ एच। इसे कहते हैं हम लोग डाई अनायन मैकेनिज्म which happens at a very very high concentration of OH minus taken. K equilibrium 1, K equilibrium 2, RDS का K forward, यही से शुरू होते, रेट क्या हो जाएगा K forward multiplied by dianion into aldehyde DA into aldehyde। K equilibrium 2 किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट क्या है K equilibrium 2 का, डाई अनायन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या था सिंगल अनायन OH माइनस। बहुत ही सिंपल, ऐसा हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। के इक्विलिब्रियम थ्री क्या होगा, वन, वन क्या होगा, वन होगा सगेन सिंगल आयन एच सी ओ माइनस ओ एच एच डिवाइडेड बाय एच सी एच ओ का कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस। यहां से निकालो इसे, यहां बिठाओ, जैसे ये बिठाओगे आ जाएगा एच सी एच ओ और ओ एच का स्क्वायर, फिर ये यहां से निकालो और यहां बिठाओ तो एच सी एच ओ और ओ एच का स्क्वायर था, यहां जाते ही एच सी एच ओ का स्क्वायर इंटू ओ एच का स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है ना,
डायरेक्ट लिख रहे हैं हम रेट देयरफॉर विल बी इक्वल टू के फॉरवर्ड के इक्विलिब्रियम वन के इक्विलिब्रियम टू मल्टीप्लाइड बाय एच सी एच ओ का स्क्वायर इंटू ओ एच माइनस का स्क्वायर एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बिकम्स फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन बट द मॉलिक्युलरिटी स्टिल रिमेन्स टू। ये हुआ मैकेनिज्म रिलेटेड डिटेल्स, मैकेनिज्म रिलेटेड डिटेल्स कि भाई हाइड्राइड ट्रांसफर इज द आरडीएस। दो तीन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कनिजारों में, ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, एसिड और अल्कोहल दोनों बनता है, बिना अल्फा एच वाला एल्डिहाइड से होता है ये रिएक्शन, नॉर्मल कंसेंट्रेशन 50-60% लेंगे तो थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, जरूरत से ज्यादा 80% से ज्यादा कंसेंट्रेशन अगर रख लिया जाए तो डाई एनायन मैकेनिज्म से यह फोर्थ ऑर्डर का रिएक्शन होता है। क्लियर? रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर, रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑन डाई अनायन। ये डाई अनायन था, ये डाई अनायन में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा उतना आसानी से हाइड्राइड, हाइड्राइड माने एच माइनस रिपेल होकर बाहर निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, नेगेटिव से नेगेटिव निकालना बहुत आसान है रिपल्शन के कारण, है कि नहीं? तो उस डाई अनायन में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी होगा वहां से हाइड्राइड ट्रांसफर का रेट जो होगा वो फास्टर होगा। रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑन द डाई अनायन। अब हम जेई का सवाल लिख रहे हैं यहां पर, सवाल था अरेंज द फॉलोइंग इन द रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर, रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर में अरेंज करना था और कुछ सबस्ट्रेट दिए हुए थे जैसे सी पे ओ माइनस एच, दूसरा दे रखा था सी पे ओ माइनस एच ओ सी एच थ्री, तीसरा दिया सी ओ माइनस एच मान ले एनओ टू, जीओसी लगाना है सिंपल। हमको सवाल एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन फिर भी ओ सी एस थ्री तो था ही था और वही आंसर था। सबको समझ में आ रहा है ये बात, है कि नहीं? यहां पर ठीक है, ये पीएचसीएचओ वाला है, हम तो एग्जांपल एचसीएचओ का लिए हैं, इसे पीएचसीएचओ का कराओगे तो यही मिलेगा डाई अनायन, एच के बदले पीएच लगा हुआ है। यहां पर कोई इफेक्ट नहीं, न्यूट्रल ओनली बेंजीन रिंग इज देयर, बट ओ सी एस थ्री विल शो प्लस एम, बट नाइट्रो विल शो माइनस एम, वैसे ही हम चार पांच और लगा के तैयार कर सकते सवाल। लेकिन बेसिक मुद्दा क्या है, यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस डाई अनायन में प्रेजेंट है, प्लस एम के कारण इसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए द फास्टेस्ट रेट विल बी टू ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन थ्री। आपके ट्यूटोरियल शीट में भी हो सकता है एक्सरसाइज फोर में ये सवाल हो। क्रॉस कनिजारो रिएक्शन, एक साथ लिया जाता है क्रॉस एल्डॉल जब कराया जाता है तो एक बिना अल्फा एच वाला को पहले से लेकर रखते हैं और उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप अल्फा एच वाला एल्डिहाइड या कीटोन को हम लोग उसमें ऐड करते हैं। लेकिन यहां पर कनिजारों में दोनों को एक साथ लिया जाएगा एंड बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी मेजर प्रोडक्ट डिसाइड किया जाएगा। समझ में आ रहा? जैसे लेट अस टेक वन एल्डिहाइड विदाउट एनी अल्फा एच प्लस अनदर एल्डिहाइड अगेन विदाउट एनी अल्फा एच, दोनों के पास अल्फा एच नहीं है, दोनों के पास अल्फा एच। ध्यान रखना कभी भी सवाल में डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड लिखा हुआ नहीं आता है, एरो साइन के ऊपर या तो सिर्फ OH माइनस लिख देगा या एरो साइन के ऊपर Na2CO3 एक्वस लिख देगा। समझ में आ रहा?
एरो साइन के ऊपर OH माइनस है, ये लेकिन लिखा हुआ नहीं रहता कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है। आपको डिसाइड करना है कि एल्डोल कराएं कि कैनिजारो कराएं। अब कैसे डिसाइड करेंगे? अगर सबस्ट्रेट में अल्फा एच है तो हर हाल में एल्डोल, चाहे क्रॉस या सेल्फ। जैसे मान लो ये PHCHO होता और ये CH3CHO होता और आगे लिख देता OH माइनस, एल्डोल ही कराते, अल्फा एच हटाते जिसके पास है और उसका अटैक कराते दूसरे के ऊपर। सबस्ट्रेट में अल्फा एच है मतलब ऑलवेज एल्डोल, चाहे डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो। सबस्ट्रेट में अल्फा एच नहीं है दोनों के पास तो हम लोग क्रॉस कैनिजारों के बारे में सोच रहे। अगर एक ही होता तो सेल्फ कैनिजारों के बारे में सोचते। खैर, सबसे पहला स्टेप OH माइनस क्या शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जल्दी होगा या रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे जल्दी होगा। ऑब्वियसली HCHO इज मोर रिएक्टिव देन PHCHO। OH माइनस इस पे अटैक कर, क्लियर? हम लोग इसमें बनाए HCO माइनस OH, H नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक है ना, हाइड्राइड का माइग्रेशन, ट्रांजिशन स्टेट होता है, समझ में आ रहा? मैचिंग में आएगा, ट्रांजिशन स्टेट, कार्बन आयन, कार्बन कटायन ट्रांजिशन स्टेट के साथ मैच करेंगे, क्लियर? अगर ये हाइड्राइड निकल के खुद के ही मॉलिक्यूल पे जाकर जुड़ गया तो सेल का नहीं जाओ, ये भी हो सकता है। प्रोडक्ट तो इसमें चार बनेंगे कि तीन बनेंगे, तीन बनेंगे कि चार बनेंगे ओवरऑल? ओवरऑल कितने प्रोडक्ट? इसका सेल्फ वाला एक, इसका सेल्फ वाला दो, इस पे अटैक होके हाइड्राइड इस पे गया, समझ में आ रहा? तो दो अलग अलग चार हो गए, और इस पे अटैक होके इसका हाइड्राइड इस पे चला गया तो दो और बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे? सिक्स। हाँ वही, क्लियर है? तो जैसे हम एक बार इसका सेल्फ बना लोगे, इसका सेल्फ तो बना लोगे ना, खैर इसमें भी दो दो बनेंगे सेल्फ, काउंट कर लेना। खैर, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, हाइड्राइड का माइग्रेशन, हम लोग क्रॉस वाला बना रहे हैं तो हाइड्राइड निकल के जाएगा इसके ऊपर तभी बनेगा क्रॉस, और हम लोग मेजर प्रोडक्ट का पाथ को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग पॉसिबल प्रोडक्ट का पाथ को फॉलो नहीं कर रहे, वी आर फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट का पाथ। क्रॉस प्रोडक्ट में मेजर कौन सा बनेगा? तो सबसे पहले हम डिसाइड किए कि किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, PHCHO का कि HCHO का। तो HCHO पे अटैक कराए, हाइड्राइड निकलेगा, हाइड्राइड का शिफ्ट होगा दूसरे वाले पे जहां हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल ले रखे, दूसरा वाला मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PHCH2O माइनस, और ये पहला मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HC डबल बॉन्डेड OOH, ये यहीं से H प्लस लेगा और फाइनल मेजर क्रॉस प्रोडक्ट आंसर इज PHCHO CH2OH एंड HC डबल OO माइनस Na प्लस, मेजर क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमें इस मिक्सचर में प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती तो कैसे लिखते हैं? देखो, इसके साथ सेल्फ कराओ, सेल्फ PHCH2OH एंड PHC डबल बॉन्डेड OO माइनस। दूसरे वाले के साथ सेल्फ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, HCOO माइनस एंड CH3OH। लिख रहे, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, एक मोल एसिड, एक मोल अल्कोहल। अब तीसरा सेट ये जो बनाए हम लोग PHCH2OH एंड HC डबल बॉन्डेड OO माइनस, क्रॉस वाला बना है, और एक और क्रॉस का क्या पॉसिबिलिटी था कि ये OH माइनस इस पे अटैक करता और हाइड्राइड इस पे जाता, कहने का मतलब ये बन जाता PHC डबल बॉन्डेड OO माइनस और ये बन जाता CH3। नाउ काउंट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल गेट फॉर्म इन द रिएक्शन। ओके, एक तो ये तो हो गया काउंट, दूसरा ये भी हो गया काउंट, फिर ये तीसरा और ये चौथा, चार प्रोडक्ट बनेंगे। पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फोर पॉसिबल प्रोडक्ट, बट विच ऑफ देम इज अ मेजर इन क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग रिएक्टिविटी के अनुसार आगे बढ़े हैं। ठीक, ये समझ में आ रहा? अब इसके बारे में कुछ लिखाएंगे, पहले कॉपी करो ये।
इज इट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? नो, एटम भले ही सेम है लेकिन अलग अलग कंपाउंड का. डिस्प्रोपोर्शनेशन उसे कहते हैं कि जब सेम एटम सेम कंपाउंड के साथ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो. यहां पर हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि HCHO का कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा और PHCHO का कार्बन रिड्यूस हो रहा. हाउ कैन इट बी अ डिस्प्रोपोर्शनेशन? देयरफॉर पहला पॉइंट, इट इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. क्रॉस कैनिजारो इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ओनली सेल्फ कैनिजारो इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. और दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखना, शॉर्टकट, इन दोनों में कौन रिएक्टिव ज्यादा था? कौन ज्यादा रिएक्टिव था? HCHO. जो ज्यादा रिएक्टिव होता है इट ऑलवेज गेट ऑक्सीडाइज्ड. द मोर रिएक्टिव ऑलवेज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड द लेस रिएक्टिव ऑलवेज गेट्स रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल. मोर रिएक्टिव ऑलवेज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, लेस रिएक्टिव ऑलवेज गेट्स रिड्यूस्ड इन अ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था. जब भी दो अलग अलग एल्डिहाइड दे दिया जाए, दोनों के पास अल्फा एच नहीं है और आपसे बोला जा रहा है कि राइट द प्रोडक्ट, राइट द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट द पॉसिबल प्रोडक्ट. पॉसिबल प्रोडक्ट में तो सब करा देंगे. ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है. बोलिए. नहीं, आरडीएस है और रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर भी हम लोग देख चुके, लेकिन सबसे पहला स्टेप होगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. एल्डोल में देखते थे सर. हाँ, एल्डोल में क्या देखते थे? आरडीएस में देखते थे. नहीं तो एल्डोल में पहला स्टेप तो एसिड बेस रिएक्शन है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है. लेकिन यहां तो पहला स्टेप AN है और AN का भी तो अपना एक एक्टिवेशन एनर्जी होगा. दोनों का रेट कंपेरेबल है लगभग, थोड़ा सा स्लो हो गया आरडीएस हाइड्राइड माइग्रेशन में. बट इफ फर्स्ट स्टेप विल नॉट हैपन एंड हाउ द सेकंड स्टेप? अगर हमारे पास वेरियस दे दिया जाए डायनाइन तो उसको हम रेट में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वो डायनाइन बनना तो चाहिए ना पहले. किसका डायनाइन बनेगा? किसका डायनाइन बनेगा? फैक्ट तो ये है. ऐसा थोड़ी है कि सेकंड वाले को कराने के लिए हम पहले में उल्टा पुल्टा कर दें. समझ में आ रहा है? जहां ओएच माइनस अटैक करेगा वहीं डायनाइन बनेगा. यस और नो? क्लियर है ये? मोर रिएक्टिव ऑलवेज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड लेस रिएक्टिव ऑलवेज गेट्स रिड्यूस्ड इन अ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन. हम ऐसा दिमाग में फिट कर लो. क्लियर? कर लिए? अगला लिखो, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो. अब तक हम लोग जितना इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखे हैं सब में रिंग बनता है. इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिंग फॉर्मेशन नहीं होता. एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोनिल होगा और वो दोनों कार्बोनिल का अल्फा एच मिसिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोले HC डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, H, और इस कॉमन मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं ग्लायोक्सल. इट इज कॉल्ड ग्लायोक्सल. दो दो कार्बोनिल है, दो कार्बोनिल है ना? Yes, दोनों के पास अल्फा एच नहीं है. क्लियर? Yes, अगर ऐसे को ले लिया जाए कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस के साथ, ये OH माइनस फर्स्ट स्टेप में उस कार्बन पे ऐड होगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है. यहां अलग बात है कि दोनों आइडेंटिकल है, कहीं भी अटैक करा दो. अटैक हुआ HC डबल बॉन्डेड O, C O माइनस OH, H. नेक्स्ट स्टेप होता कैनिजारो का क्या? हाइड्राइड माइग्रेशन, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, हाइड्राइड का माइग्रेशन इंट्रा मॉलिक्यूलरली. हाइड्राइड का माइग्रेशन इंट्रा मॉलिक्यूलर, ये बन जाएगा फिर HCH O माइनस C डबल बॉन्डेड O OH,
एसिड ओ माइनस विल टेक द एच प्लस एंड वी विल गेट सी एच टू ओ एच सी डबल बॉन्डेड ओ ओ माइनस एन ए प्लस फाइनल आंसर. गौर से देखो, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया और ये एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया. इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस. नाउ इज इट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन? व्हाई नॉट सर? व्हाई नॉट सर? व्हाई नॉट मैडम? क्यों नहीं है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन? एक ही मॉलिक्यूल का कार्बन के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है. इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोसेस. हमें बताएंगे, खुद देखते चले जाओ लॉजिकली. CH3CHO और HCHO ये दोनों का मिक्सचर ले लिया गया, लेकिन HCHO लिया गया एक्सेस में. व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ OH माइनस, व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ OH माइनस, कौन सा रिएक्शन कराएंगे? कौन सा रिएक्शन दिमाग में आना चाहिए? एल्डोल. देखो, तुम ये बोल सकते हो कि सर ये OH माइनस जब अल्फा एच होता है तो अल्फा एच ही क्यों निकालता है? तो इसका लॉजिक ये है बेटा कि ये OH माइनस जाता यहां भी पहले यही है, पहले अप्रोच करता है कार्बोनिल पे ही, लेकिन अब कार्बोनिल पे अप्रोच किया तो नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करके OH माइनस को फिर भगा दिया. जब यहां फेल हुआ तो सेकेंड ऑप्शन अल्फा एच पे गया. समझ में आ रहा है? और अगर यहां अल्फा एच नहीं है तो वो वही कोशिश करेगा, और इस कोशिश को और ताकत देने के लिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड. समझ में आ रहा? तो अल्फा एच अगर है तो हर हाल में हम लोग एल्डोल ही कराएंगे. ये एक मोल लिए लेकिन ये एक्सेस में लिए. OH माइनस सबसे पहले क्या करेगा? यहां से एक H प्लस हटाएगा. H प्लस हटाने के बाद CH2 माइनस C डबल बॉन्डेड OH. नेक्स्ट स्टेप में एच सी डबल बॉन्डेड ओ एच पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. क्रॉस एल्डोल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये बना ओ माइनस. ओ माइनस फिर वाटर से क्या गेन कर लेता है? एच प्लस. जिस पे अटैक हुआ उसको पहले ड्रॉ कर, तो ये बन जाएगा सी एच टू ओ एच बॉन्डेड टू. किससे जुड़ गया? सी एच टू सी डबल बॉन्डेड ओ एच. अभी भी मीडियम अल्कलाइन है और अभी भी इसके पास अल्फा कार्बन पे एच है. ओ एच माइनस और एच सी एच ओ एक्सेस में लिए हुए. ओ एच माइनस यहां से एच प्लस निकाला. तीन बार ये काम होगा, सी एच टू ओ एच सी एच माइनस सी डबल बॉन्डेड ओ एच एंड इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन एच सी एच ओ एक्सेस में था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. जिस पे अटैक हुआ उसको पहले ड्रॉ कर. सी एच से सी एच टू ओ एच जुड़ गया. ये सी एच टू ओ एच पहले से ही था और ये सी डबल बॉन्डेड ओ एच. लास्ट स्टेप अगेन ओ एच माइनस, फिर से अल्फा कार्बन का लास्ट हाइड्रोजन हटाया. लास्ट हाइड्रोजन हटने के बाद नेगेटिव, सेम वे एच सी एच ओ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तीसरी बार वाटर से एच प्लस गेन किया, ये क्या बन जाएगा? सी पे सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच और एक और सी एच टू ओ एच अभी अभी लगा, अब बन गया ये सी एच ओ. अब मीडियम में एच सी एच ओ अभी भी है और ओ एच माइनस भी अभी भी है. क्या होना चाहिए? समझ में आ रहा है? अब दोनों के पास अल्फा एच नहीं है. क्रॉस करने जा रहा रिएक्शन, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, लेफ्ट वाले का कि राइट वाले का? लेफ्ट वाले का कि राइट वाले का? राइट वाले का. अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये ऑक्सीडाइज होगा. फाइनल आंसर एच सी डबल बॉन्डेड ओ ओ माइनस, और लेफ्ट वाला क्या होगा? ऑक्सीडाइज. मतलब कि ये सी डबल बॉन्डेड ओ को भी अल्कोहल बनाओ, ये बन जाएगा सी एच टू ओ एच. कहने का मतलब इस कार्बन पे
चार CH2OH और IITJEE 2012 में बिल्कुल ये सतिया बना हुआ प्रोडक्ट आया था। समझ में आ रहा है? हाँ वही वही बिल्कुल ऐसे ही है, चार CH2OH लगा हुआ। वी गेट दिस एंड दिस एंड दिस वेरी फेमस रिएक्शन इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएक्शन, जिसमें तीन बार एल्डोल और लास्ट स्टेप में कैनिजारो रिएक्शन। और ओडी माइनस हमेशा D2O में लिया जाता है। कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म को गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होता है मैकेनिज्म में, कहीं भी सॉल्वेंट नहीं आया होगा। डाई अनायन में सॉल्वेंट का एक रोल है लास्ट स्टेप में O- को OH बनाना, लेकिन हम लोग हमेशा डाई अनायन थोड़ी मान के चलते हैं जब तक कि 80% से ज्यादा नहीं दिया। जो नॉर्मल मैकेनिज्म है 50-60% वाला, नॉर्मल आवर रेगुलर कैनिजारो जो बोलते, उसमें सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है, सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है। तो यह दिमाग में रखते हुए सवाल को सॉल्व करना है। OH माइनस वाटर क्या बनाए? पीएच सी एच टू ओ एच प्लस पीएच सी डबल बॉन्डेड ओ ओ माइनस मान ले एन ए प्लस। प्रोडक्ट लिखने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अगला, अगर ओडी माइनस हुआ तो क्या होगा? ओडी माइनस हुआ तो क्या होगा? ठीक है, ओडी माइनस भी अगर हुआ तो पीएच सी एच टू ओ डी और पीएच सी डबल बॉन्डेड ओ, ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो सॉल्वेंट, देखो ये ओडी माइनस ही जाकर अटैक करता है मैकेनिज्म को, देख नेगेटिव चार्ज वापस आया, हाइड्राइड का माइग्रेशन हो गया, तो ये एसिड सबसे पहले क्या बन जाएगा? इस तरीके का पीएच सी डबल बॉन्डेड ओ ओडी, जब हाइड्राइड निकल गया है और ओडी आकर जुड़ा है तो, और ये होगा ओ माइनस, और ये एसिड से ही क्या ले लेता है? डी ले लेता है, इसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया, कोई फर्क ज्यादा थोड़ी पड़ेगा। अगला CH3 लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जो काम पीएच सीएचओ में हुआ वही चीज यहां पर भी हम लोग कर देंगे, CH3 जैसे था वैसे ही रहेगा। यहां लिख देंगे CH2OH और एक में लिख देंगे सी डबल बॉन्डेड ओ ओ माइनस एन ए प्लस। बट द नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, और ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन याद रखना कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड के साथ कैनिजारो रिएक्शन नहीं होता है, और इसका वेरी सिंपल रीजन है कि अल्कलाइन मीडियम में फेनॉल को लिया जाएगा तो फेनॉल का H प्लस हट जाएगा और ये O माइनस हो जाएगा, और ये O माइनस का वेरी स्ट्रांग प्लस M, वेरी स्ट्रांग प्लस M के कारण, प्लस M के कारण इस कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज बहुत घट जाएगा, मैंने इस कार्बोनिल का इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए ये OH- को अट्रैक्ट पहला स्टेप में ही नहीं करता है।
सिर्फ ओ माइनस, ओ माइनस का प्लस एम क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। अगला, ये तो मैकेनिज्म से ही करना पड़ेगा है कि नहीं। ओ एच माइनस अटैक किया, एच सी ओ माइनस ओ एच डी प्लस एक और मॉलिक्यूल ला सामने, इसके नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, किसका माइग्रेशन, एच का कि डी का। सी एच बॉन्ड इज वीक, सी डी बॉन्ड इज स्ट्रांग, यहां से एच का माइग्रेशन कराए, समझा रहा है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, डी सी डबल बॉन्डेड ओ ओ एच, और ये बन जाएगा सी एच टू डी ओ माइनस, और ये यहां से एक एच प्लस गेन कर ले, ठीक। क्या मैं अगले रिएक्शन में भी मैकेनिज्म लिखूं, एक ही बार मैकेनिज्म काफी है ना। अब ओ एच माइनस हो ओ डी माइनस हो क्या फर्क पड़ता है, सेम चीज होगा। जब ओ एच माइनस था तो यहां ओ एच आया था, और जब ओ डी ले लेंगे तो वहां पे ओ डी आएगा, आंसर तो वही होगा, समझा रहा है। अगले में आंसर डायरेक्ट लिखे तो हो जाएगा डी सी डबल बॉन्डेड ओ ओ माइनस एन ए प्लस प्लस सी एच टू डी ओ डी, क्लियर है, क्लियर। अगला ट्राई कर लेना, ये भी ट्राई कर लेना, ये सेल्फ है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो डी ही माइग्रेट कराएंगे। यहां पर क्रॉस है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एसिड और इसको अल्कोहल। अगला दो इंपॉर्टेंट है, पहला CCl3CHO कार्बन, अल्फा कार्बन है, क्या वहां हाइड्रोजन है, नहीं है, कैनिजारो के लिए बिल्कुल सेटिस्फाइड कंडीशन लग रहा है। OH माइनस अटैक करा CCl3CO-OH एच, लेकिन नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक कर किया तो हाइड्राइड से ज्यादा माइग्रेटिंग एबिलिटी, कैनिजारो अगर होता तो हाइड्राइड को निकलना चाहिए, लेकिन हाइड्राइड और सीसीएल थ्री में किसका लिविंग एबिलिटी ज्यादा होगा, सीसीएल थ्री माइनस, गुड लिविंग ग्रुप सोच के देख, सीसीएल थ्री माइनस और एच माइनस, एच तो लिविंग ग्रुप होता ही नहीं है, कौन है इसमें वीक बेस, सीसीएल थ्री माइनस इज अ वीक बेस है कि नहीं। क्यों है वीक बेस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग इन अ क्लोरीन। यहां पर हाइड्राइड का लिविंग एबिलिटी से ज्यादा लिविंग एबिलिटी ये निकल जाएगा बाहर, और ये जैसे ही निकला ये बन जाएगा सीसीएल थ्री माइनस प्लस एच सी डबल बॉन्डेड ओ ओ एच, एसिड से ही एच प्लस गेन करके एच सी डबल बॉन्डेड ओ ओ माइनस, और ये बन जाएगा, ये आगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन, उसका लास्ट स्टेप है ये, और अक्सर कैनिजारो में पूछा जाता है ये। अल्फा एच है नहीं, रगड़ दो कैनिजारो, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यहां क्या बन जाता, हेलोफॉर्म। नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, है ना। यहां पे हम लोग लिविंग एबिलिटी किसका किसका कंपेयर कर रहे हैं, हाइड्राइड का कंपेयर करें और दूसरा किसका कंपेयर करें, अगर मान ले बेंजीन निकल जाए वहां से तो देख दो दो एनओ टू कितना स्टेबल कर रहा है इस नेगेटिव चार्ज को, समझ में आ रहा है, हाईली स्टेबल नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस रिंग बेंजीन रिंग बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप रादर देन हाइड्राइड, क्या प्रोडक्ट आएगा यहां पर, एच सी डबल बॉन्डेड ओ ओ माइनस प्लस सीधे डाई नाइट्रो बेंजीन, ये लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा बाहर और ये ले लेगा एसिड से एच प्लस, स्पेशल केस। अगला
इसमें भी वही होता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सीएचओ ज्यादा रिएक्टिव है एल्डिहाइड के कीटोन, ये अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये वाला सीधे आंसर पीएच सीएचओएच, इसे रिड्यूस किए, रिड्यूस किए तो अल्कोहल बन गया, और अगले वाले को क्या कर दिए? ऑक्सीडाइज। आंसर अगला खुद से ट्राई करो करना। अगला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन? अगला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन? एल्डोल, वेरी इंपॉर्टेंट, नो एल्डोल। जब एल्डोल पढ़ाए थे तो नो एल्डोल वाला लिस्टिंग में इस कंपाउंड को हम दिए थे, बोले थे कि देख एक अल्फा एच होने के बावजूद भी ये एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करता बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। अल्फा एच होते हुए भी कैनिजारो रिएक्शन, Me2CH C डबल बॉन्डेड OO माइनस प्लस Me2CH CH2OH, कैनिजारो रिएक्शन कराएंगे इसका, एल्डोल नहीं होता लेकिन कैनिजारो इसका हो जाएगा। बेंजीन के रिंग पे सीएचओ लगा रहे, या ऐसे समझो एरोमेटिक रिंग पे सीएचओ लगा रहे, वो हर सबस्ट्रेट कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है। यहां पर बेंजीन रिंग के बदले कौन सा रिंग है, कौन सा रिंग है? ये पायरोल, ऑक्सीजन होता तो क्या बोलते हैं? फ्यूरान। एरोमेटिक रिंग से जुड़ा सीएचओ, नॉर्मल जैसे वहां बेंजीन के साथ सीएचओ जुड़ा था कैनिजारो करा दिए, वैसे यहां भी अभी करा देंगे। आंसर विल बी CH2OH प्लस C डबल बॉन्डेड OO माइनस। तो इन जनरल phi बॉन्डेड टू CHO, वेयर phi इज एरोमेटिक रिंग, अगर इसको ट्रीट किए OH माइनस के साथ तो phi CH2OH प्लस phi C डबल O माइनस कर देना है, चाहे वो एरोमेटिक रिंग नेप्थिलीन ही क्यों ना हो। बेंजीन पे सीएचओ देगा तो नेप्थिलीन पे सीएचओ भी तो देगा, फ्यूरान थायोपीन या पाइरोल पे भी तो सीएचओ देगा, सेम मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है? अगला जेई का सवाल, बोलिए स्टेरिफिकेशन OH माइनस और हीटिंग भी कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना ये दोनों रिंग पहले से ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो चुका है। समझ में आ रहा? ये रिएक्शन बिल्कुल इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन है, एक से ज्यादा सीएचओ दिख गया बिना अल्फा एच का तो इंट्रामोलिकुलर ही होगा, इंटर तो होगा नहीं, ऐसे हो चुका है। तो ध्यान रखना कि हाइड्राइड ट्रांसफर या तो इन दोनों के बीच में होगा या हाइड्राइड ट्रांसफर इन दोनों के बीच में होगा, तभी तो वो प्लेनर है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहां का हाइड्राइड निकले और दूसरे के रिंग में चले जाए। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में हाइड्राइड का शिफ्ट, इन दोनों के बीच में हाइड्राइड का शिफ्ट। आंसर CH2OH C डबल बॉन्डेड O O माइनस बॉन्डेड टू, मान ले C डबल बॉन्डेड O O माइनस CH2OH,
मतलब इसमें यह चीज भी पूछा जाए अगर आपसे कि सर ऐसा करो कि यहां पे दो एसिड बना दो या दो अल्कोहल बना दो, गलत, ऐसा कभी प्रोडक्ट बनेगा नहीं। क्यों समझ में नहीं आ रहा क्यों? बोले ना कि रिंग परपेंडिकुलर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो हाइड्राइड ट्रांसफर हमेशा प्लेनर में होता है, तो एक रिंग का हाइड्राइड दूसरे रिंग में नहीं पहुंचेगा, इसलिए कभी भी आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं पाओगे, क्योंकि यहां तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा भाई, सर इन दोनों में करा दो, इन दोनों में करा दो, ऐसे ऐसे करा दो, कुछ भी नहीं चलेगा यहां पर। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जिसमें इधर दोनों एसिड और इधर दोनों अल्कोहल, हर रिंग में एक अल्कोहल और एक एसिड, एक अल्कोहल और एक एसिड, क्लियर? व्हेन इट विल बी हीटेड, नो इफेक्ट। काय का इफेक्ट? एक तो परपेंडिकुलर है और दूसरे में परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है तो एसिड और अल्कोहल पास पास आ ही नहीं सकते, समझ में आ रहा है? और हम लोग को हमेशा कहने जा रहा हूं मैं, सॉल्ट मिलता है एसिड नहीं, और यह भी कारण है कि यहां पे एस्टरीफिकेशन नहीं होगा, एंड दिस इज अ फाइनल आंसर। और ये जेई के सवाल में एस्टर बना के भी ऑप्शन दिया था, दोनों तरफ अल्कोहल और एक तरफ दो अल्कोहल, एक तरफ दो एसिड, ऐसे भी ऑप्शन दिया था, बहुत शुरू में कंफ्यूजिंग सवाल लगा था, लेकिन अच्छा सवाल था ये। सब कुछ खेल किसका है? रिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगला नेम रिएक्शन में जाने के पहले SN, AE, हेडिंग लिखो, सब्स्टिट्यूशन थ्रू, एडिशन एंड एलिमिनेशन। और हम लोग इसी टॉपिक में एस्टर कंप्लीट कर देंगे, एस्टर का बनना और एस्टर का हाइड्रोलिसिस। स्टेरिफिकेशन प्रोसेस तो मैंने शॉर्ट में बताया था ना, एल्डोल वाले टॉपिक में, हीटिंग इफेक्ट वाले टॉपिक में, यहां हम लोग थोड़ा सा डिटेल मैकेनिज्म में देखेंगे। एस एन ए ई रिएक्शन हैपन्स विथ एसिड डेरिवेटिव्स, SNAE reaction happens with acid derivatives. What are acid derivatives? In general, acid derivative always looks like this. RC double bonded O, leaving group. अगर leaving group OH हुआ तो खुद acid हो गया, अगर leaving group OR हुआ तो ester हो गया, अगर leaving group CL हुआ असाइल हैलाइड हो गए, अगर ये लिविंग ग्रुप OCOR हुआ अनहाइड्राइड, समझ रहे? अगर लिविंग ग्रुप NH2 हुआ अमाइड्स एटसेट्रा, एसिड एस्टर असाइल हैलाइड अनहाइड्राइड अमाइड, दे ऑल आर एसिड डेरिवेटिव। चलो हम लिख भी दे रहे, दे ऑल आर एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड डेरिवेटिव में कार्बोनिल के साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है, मैकेनिज्म इन जनरल RC डबल बॉन्डेड O लिविंग ग्रुप व्हेन टेकन अलोंग विथ A reagent HNU, water HOH, alcohol HOR, पहले भी तो HNU बताए थे, ammonia HNH2, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जिनके पास H है, हो सकता है न्यूक्लियोफाइल सीधे सीधे NU माइनस अनायनिक न्यूक्लियोफाइल ले ले, NaOH, Na प्लस और OH माइनस है, OH माइनस के साथ हम सीधे अटैक करा सकते, समझ में आ रहा है ना? खैर,
एनयू का लॉन पेयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आरसी ओ माइनस एनयू एच पॉजिटिव एलजी, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, बॉन्ड एंगल यहां 120 डिग्री, मतलब कि रिपल्शन बढ़ रहा है। अगर रिपल्शन बढ़ रहा है तो ये बनने की टेंडेंसी बहुत कम होगी या यहां रहने का टेंडेंसी बहुत कम होगा, ये पहले भी बताए थे। फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस एंड इट इज अ रिवर्सिबल स्टेप। रिवर्सिबल इसलिए कि हो सकता है नेगेटिव चार्ज मारे इंटरनल अटैक और जो जुड़ा था उसको निकाल दे बाहर। ये इरिवर्सिबल कब होगा? जब ये लिविंग ग्रुप होगा ही नहीं, और लिविंग ग्रुप नहीं कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है? आर माइनस, ग्रिगनार्ड में पढ़ेंगे RMGX आर माइनस। अगर ये HNU के बदले अगर हम बोलता है ये आर माइनस आके जुड़ा है, आर निकलता No, क्या आर लिविंग ग्रुप है? नो सर, वो तो परमानेंटली चिपकता है तो चिपक गया, खत्म। लेकिन उसके अलावा तुम कोई भी लिविंग ग्रुप इमेजिन करो, सबका लिविंग एबिलिटी मिलेगा। ओरिजिनल को निकाल दिया तो बैकवर्ड। अब ध्यान देना, लिविंग ग्रुप कोई भी हो उसके पास भी लोन पेयर होता है, कोई भी लिविंग ग्रुप इमेजिन करो। रिवर्सिबल एच प्लस का ट्रांसफर हैपेंस हियर ऑल्सो। ये लोन पेयर इसका एच प्लस गेन कर लिया, ये न्यूट्रल हो गया है ना, फिर ये लोन पेयर इसका इससे फिर एच प्लस गेन कर लेगा, ये एच प्लस का ट्रांसफर रिवर्सिबल होते रहता है। यहां पर अगला स्टेप में नेगेटिव चार्ज अगर इंटरनल अटैक करता है और ये पार्ट निकल जाता है, लिविंग ग्रुप निकलेगा तो साथ ही साथ एच प्लस को लेते हुए निकलेगा, समझ आ रहा है? ये बन जाएगा आरसी डबल बॉन्डेड ओ एनयू प्लस एच बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप। नाउ व्हाई अगेन दिस इज अ रिवर्सिबल स्टेप, ये इस पे फिर से अटैक कर सकता, जैसे एच एनयू अटैक किया वैसे एच बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप भी अटैक कर सकता। इन जनरल SNAE आर रिवर्सिबल रिएक्शन, इन जनरल SNAE आर रिवर्सिबल रिएक्शन। एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करके अगर एस्टर बनाता है तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस से हम लोग को एसिड और एल्कोहल भी मिलता है, समझ में आ रहा है? एसिड और अमीन रिएक्ट करके अगर बनाता है अमाइड, तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस करने से एसिड और अमीन वापस भी मिलते हैं। इन जनरल SNAE रिएक्शन आर रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों इसे सब्स्टिट्यूशन बोला गया? ओवरऑल देख, ऐसा देखकर लगेगा कि लिविंग ग्रुप को हटाकर न्यूक्लियोफाइल उसके खुद के जगह पे जोड़ लिया है, वहीं जुड़ा है ना। और कैसे जुड़ा है? पहले ऐड हुआ और उसके बाद लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हुआ, क्लियर? यहां पर भी सीधे रेट विल बी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस एट कार्बोनिल। इस कार्बोनिल पे जितना ज्यादा हिंड्रेंस, रेट उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलो ठीक है, अगले क्लास में आगे बढ़ जाएंगे।